अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जॉब्स के हवाले से बनाने का इरादा है। तो पहले भी जॉब्स के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड की है, तो जो आज की वीडियो है वो टीचिंग जॉब्स के हवाले से है। तो उसके लिए आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास इससे कम क्वालिफिकेशन है तो मेरे इस चैनल पर आप नीचे आकर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें से आपको मुख्तलिफ एजुकेशन के रिलेटेड मुख्तलिफ जॉब्स यहाँ पर मौजूद है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इससे आपको फायदा ये होगा कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो जो फौजी फाउंडेशन के अंदर जॉब्स आई हैं उनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो सिर्फ ये 3 मिनट की होगी, वीडियो आप पूरी देख लें, मुकम्मल तरीका मैं आपको गाइड करूंगा। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पर आपने बाद में क्लिक कर लेना है, पहले ये मेरी कुछ बातें सुन लें। ये जो फौजी फाउंडेशन के अंदर जॉब्स आई हैं, तो आप जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल, बेशमार स्कूल से फौजी फाउंडेशन के अंदर, तो वहां पर मल्टीपल जॉब्स हैं। तो आपके पास बेशमार सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मैं नीचे आपको बताता हूँ, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो आपकी है 22 से 35 होनी चाहिए। आपने अप्लाई कैसे करना है आपको ये अप्लाई का बाद में बताता हूँ, नीचे इश्तिहार देख लें पहले आप। बायो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी समेत, इन सब्जेक्ट के लिए ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज के अंदर सीट्स हैं, वो अभी वैकेंट खाली हैं। तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास 3 दिसंबर तक आप 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रही हो आपने तो एमएससी 4 ईयर बीएस किया हो, केमिस्ट्री आपने बीएस 4 ईयर किया हो या एमएससी की हो, मैथमेटिक्स में भी सेम प्रोसीजर है कि आपने एमएससी या बीएस किया हो, फिजिक्स इस तरह, कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू में मास्टर किया हो, पाक स्टडीज में मास्टर किया हो और या फिर इस्लामियात में आप मास्टर किया हो। तो इन सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपने क्या करना है, सबमिशन ऑफ सीवी, आपने सीवी कैसे सबमिट करनी है। बायोडाटा फ्रॉम अवेलेबल एट वेबसाइट, आपने फौजी फाउंडेशन की जो वेबसाइट है www.fauji.org.pk, इसे आपने खोलना है। यहाँ से आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है और वहां से आपने क्या करना है, डाउनलोड करके अपनी सीवी, रिसेंट फोटोग्राफ से वो दो, आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज, और आपने किसकी तरफ भेजनी है ये एड्रेस जो मेंशन है, सीनियर मैनेजर ह्यूमन एंड रिसोर्स एजुकेशन डिवीजन, फौजी फाउंडेशन, हेड ऑफिस 68 टीपू रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 216, चकलाला, रावलपिंडी, कैंट, 3 दिसंबर से पहले पहले। तो आप ये दोबारा एड्रेस देख लें, सीनियर मैनेजर ह्यूमन एंड रिसोर्स एजुकेशन डिवीजन, में इसे जूम कर दूंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। फौजी फाउंडेशन हेड ऑफिस 68 टीपू रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 216, चकलाला, रावलपिंडी, कैंट। तो आपने भेजना है, इसके लिए आपका रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू होगा, कोई TA DA इसके अंदर शामिल नहीं है। तो जो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म ये मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो इसको फिर डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया, इसे ओपन करके आपको बताता हूँ। तो ये PDF फाइल है, तो यहाँ पर आपने अपना जो भी डाटा है वो एंटर करना है, फोटो वगैरह लगाकर इसको कंप्लीट फिल करके। बाकी आप पढ़े लिखे बंदे हैं सारे, तो आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका पता होगा, तो आप इसे कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक लाजमी करें। इसी तरह से ताज़ा खबरें जॉब्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऑनलाइन अर्निंग ट्रिक्स के लिए और टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के अंदर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।